सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव हरवाने का जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है। कहा कि 11 ईवीएम की गणना नहीं की गई और शहर विधानसभा की मतगणना में आखिरी 5 राउंड में धांधली की गई है। उन्होंने शहर की आरओ टेबल पर आपत्ति जताते हुए एडीएम सिटी को पूरे समय वहां बैठने पर नाराजगी जताई और सरकार के दबाव में मतगणना में धांधली कर हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। लोकसभा चुनाव में जनता ने तन मन धन कड़ी मेहनत से मेरा साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये चुनाव जनता नहीं हारी, मतदाता नहीं हारे। यहां मेरी किस्मत तो न्याय चुनाव आ रहा है। बेईमानी के ये भोगेंगे, मैं साथ जुटा रहा हूं, कोर्ट में जाना मैंने तय कर दिया, मेरा वकील तैयार हो गया, आज शाम तक मुझे जवाब देंगे। पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मैंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात की है कि क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पड़ जाएगी और वास्तव में ये बच नहीं पाएंगे, बहुत साक्ष्य कहां तक जाएंगे। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ के अधिकारी मतगणना से पहले सही चल रहे हैं, मतगणना में इस पर कोई बहुत बड़े बड़े दबाव आए हैं, पीएमओ का दबाव भी आया है, बड़े नेताओं के दबाव थे। जिस दिन मतगणना चल रही थी बीच में एक मंत्री जी आए हैं, उनसे हमारे डीएम साहब मिले हैं, क्या संदेश लेके आए थे या उन्होंने अपने फोन से किसी बड़े नेता से दिल्ली लखनऊ बात कराई, ये तुम्हारे डीएम साहब जानते होंगे। नहीं तो कौन मंत्री उनका नाम भी खुलती अगर करें आपको बताया नहीं, वो अच्छा जनता तो जानते अच्छा नहीं होता कि बिना उसके साथ के किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एक काम कर लेना, डीएम साहब कसम खा के कहते हैं कि नहीं आया कोई, मान लूंगा। डीएम तो मना कर रहे हैं, उन्होंने तो निष्पक्ष चुनाव कराया। नहीं, वो कहते रहे लेकिन वहां की उनकी टीम का आओ भाव धाव स्पष्ट कह रहे थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। आत्मा तो रो रही थी अधिकारियों की, और शरीर जो था बेईमानी के साथ था। मुझे कहने में संकोच नहीं, बड़ी उम्मीद करता था मेरे घर के डीएम साहब से, दोनों मियां बीवी आईएएस अफसर हैं। ऐसे कौन से बिंदु जो आपको लगता है बेईमानी हुई है? भाई मेरी 11 मशीनें हैं, एक मशीन हिंदुओं की है, 10 मशीनें मुस्लिम की हैं, 9000 वोट है मेरा, 7000 वोट तो मेरा यही हो गया, गैप 8000 का रह गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि शहर में 23 से लेकर के और अब लास्ट तक उसको उसकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। जब आप न्याय के पुजारी न्याय देना चाहते हो, अच्छे अफसर तो क्यों नहीं दिलाया हमें, क्यों हो गया, उसमें क्या परेशानी थी? तो कोर्ट कब जा रहे हैं आप? नहीं, आज कई सारे कागज रिकॉर्ड निकाल के सब तैयारी लगे हो रही है घर पे, और आज वकील से इलाहाबाद कहा है मैंने, शाम तक को बता देंगे उन्हें कितना खर्चा आएगा। हाँ, मैं रिकाउंटिंग की मांग कर रहा हूँ और नियम भी है उसमें कि रिकाउंटिंग की मांग करेंगे तो उसका खर्चा हमें देना पड़ेगा। कितना खर्चा आ जाएगा भाई, ये हमको तो पता नहीं है ज्यादा, लेकिन कम से कम 30-35 लाख का थे। उसमें थोड़ी किया, ऑन रिकॉर्ड बंद है अब भी, वो तो ऑन रिकॉर्ड अब भी बंद है। आपने सहमति पत्र तो दे दिया था? बिल्कुल नहीं दिया, कतई नहीं दिया, ऑब्जेक्शन फाइल किया, उसकी पक्की नकल ली, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया, जजमेंट की पक्की नकल ले ली हमने वही रिसीव करा के, अभी तो 3-4 घंटे डिले हुई है। फिर मैंने एप्लीकेशन बुक कर दी लास्ट में, 2 बार ऑब्जेक्शन किया है। तो कल कोर्ट जाएंगे आप, कहने का मतलब? हाँ, आज 7 से ले लें, अभी अभी 7 दिन से पहले तो वैसे ही डालनी पड़ती है। काम क्यों नहीं हुई वो मशीनें? उनका कहना है, मैंने ये भी कहा कि मशीनों में जनता ने मैंडेट दिया, किसी को दिया, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें मशीन में जितने वोट हैं
वो जो एक कागज होता है, कौन सा सत्र होता है, कौन सा होता है, उससे मिलान नहीं खा रहा है। अरे भाई वो तो तुम्हारा कर्मचारी था, 50 वोट फालतू लिख गया या कम लिख गया, उससे उससे जनता के क्या दोष है, जनता ने तो अपना वोट डाल दिया। दोषी खुद हो, तुम्हारा कर्मचारी और जनता सजा पाएगी, ये कौन तरीका भाई। हर बात में एक ही बहाना ले लेते हैं, चुनाव की गाइडलाइन, चुनाव की गाइडलाइन, ये कौन सा तरीका भाई। न्याय देने में चुनाव की गाइडलाइन क्या करेगी, इस लड़ाई को कहां तक लड़ेंगे चौधरी विजेंद्र सिंह। देखो यार, हम तो अपने लिए राजनीति करते हैं, हम तो जनता के सम्मान के लिए करते हैं। जनता ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं 7 जन्म लेके लिए की जनता की सेवा करूं तो मैं उनके एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा, मैं उसके सम्मान की लड़ूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।